बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शमा कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक इतना टेस्टी डिज़र्ट जो कि खाने में इतना ज़्यादा मज़ेदार है। और बस ये मैंने एक कप दूध से बनाया है, जो आपके घर में बचे हुए दूध है सिर्फ उसी से मैंने इतना टेस्टी डिज़र्ट मैंने तैयार किया है। चलिए बताते हैं आपको फटाफट बिना वक्त को ज़ाया किए हुए, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने जो मेरे घर में बचे हुए दूध रखे थे यानी एक कप रखा था, मैंने उसे ले लिया। ये अच्छे से मैंने बॉईल कर लेना है, पहले से ये ऑलरेडी बॉईल था, फिर से मैंने बॉईल कर लेना है। अब मैं इसमें शुगर डाल दूँगी एक कटोरी, मीठा अपने मुताबिक करें जिस हिसाब से आपको मीठा करना है। अब मैंने यहाँ कस्टर्ड को पानी में डाल दिया, ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे। डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। बहुत जल्दी ये डिज़र्ट तैयार हो जाता है, आप देख सकते हैं ये अच्छे से हो रहा है। सिर्फ एक कप है, सिर्फ इसमें 5 से 6 मिनट लगेंगे और ये बन करके रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारी कस्टर्ड की थिकनेस कुछ ऐसी होनी चाहिए, आपको मैं दिखाती हूँ। बस ये रेडी है, आप इसे ठंडा कर ले, फ्रीज अप कर ले, फिर अब हम इसे सेकेंड प्रोसेस में चलेंगे। मैंने इसे ठंडा कर लिया था, यहाँ मैंने फ्रूट लिया है, बनाना लिया है, वाटरमेलन, कीवी, मैंगो और पपाया लिया है। आपके पास जो फ्रूट अवेलेबल है, आपके पास कोई भी सब आप ले लें, सारे जो जो फ्रूट अवेलेबल है, और फिर कट कर लें। यहाँ मैंने कस्टर्ड लिया था, ठंडा मैंने कर लिया था, और अब मैं इसे ऊपर से डाल दूँगी अच्छे से, सारे सारे ऊपर से डाल दूँगी, सारे के सारे हमने ऐसे डाल देना है। बहुत टेस्टी डिज़र्ट है, इजी डिज़र्ट है, 5 से 6 मिनट में ये बन जाता है, खाने बहुत ही ज़्यादा लजीज है। सारे के सारे कस्टर्ड को ऊपर ऊपर डाल देंगे हम। यहाँ मैंने आप देख सकते हैं सारे के सारे कस्टर्ड को से डाल दिया है, और थोड़ा थोड़ा ऊपर से आप ऐसे डाल दें। अब मैं इसमें ऐड करूँगी रोबज़ा, रोबज़ा इसमें ऑप्शनल है, इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है, इससे आप रोबज़ा का यूज़ ज़रूर करें। अगर ज़्यादा पसंद करते तो ज़्यादा डालें, कम पसंद करते तो कम डालें। मैंने यहाँ रोबज़ा डालने के बाद यहाँ लिया है सब्ज़ा सीड यानी टूट मलंगा, उसे भी डाल देंगे 3 से 4 टेबल स्पून। और अब हम डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, बस एकदम रेडी है। अब आप इसे सर्व करते हैं, कर सकते हैं, बहुत ईजी है, खाने बहुत लजीज। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। चलिए चलती हूँ, मिलूँगी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।